देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इन दोनों का जो चरित्र है यह हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले लोग ये लोग हैं। तो इनसे ये उम्मीद करना कि ये भारत की आस्था का सम्मान कर सके, भारत के राष्ट्र नायकों का सम्मान कर सके, आजादी के आंदोलन में जिन क्रांतिकारियों ने, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया था, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रख सके, ये अपने आप में एक, इन लोगों से उम्मीद करना ही अपने आप में बेमानी है। रामगोपाल यादव का जो बयान है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है और ये दिखाता है कि न केवल वोट बैंक के लिए ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है, जिसने भी ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी है उसकी दुर्गति हुई है। सर, प्रधानमंत्री जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि विपक्ष द्वारा राम मंदिर के फैसले को बदलने की मंशा एक खतरनाक इशू है। देखो, ये लोग तो हमेशा से ही अयोध्या में से राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, ये सभी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जिनकी भावनाएं हिंदुओं के विरोध में जाती हैं, भारत की आस्था के विरोध में जाती हैं, जिनका चरित्र तुष्टीकरण की नीति को पोषक करने वाला, आतंकवाद समर्थक और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों के विपरीत जो लोग सदैव आचरण करते रहे हैं, ऐसे लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का मतलब विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और यही वक्तव्य इन लोगों के आ रहे हैं। इनकी वास्तविक चरित्र को जनता के, जनार्दन के सामने ये रख दे रहा है। हमेशा इनका प्रयास था, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, कांग्रेस ने शुरू से प्रयास किया कि अयोध्या में राम मंदिर के मामले में माननीय न्यायालय से फैसला ना आने पाए, वो रोड़े अटकाते थे, ये स्वयं बैरियर बने हुए थे। इसके बाद जब ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में भी गया, तब भी इन्होंने 9 वर्ष 8 7 8 वर्षों तक कुछ भी नहीं होने दिया इसमें। तो बाद में मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और फिर प्रक्रिया आगे बढ़ी, फिर राज्य में भी सरकार बनी और फिर इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण और देश और दुनिया का कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है, एक नई अयोध्या का दर्शन कर पा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस, सपा या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों का, जिनका चरित्र ही राम विरोधी है, भारत विरोधी है, आतंकवाद समर्थक है, रामद्रोहियों के साथ लोग खड़े हुए हैं, इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इनकी मंशा इनकी खतरनाक रही होती है।